दोस्तों इन दिनों जी टीवी पर प्रसारित हो रहा है मोस्ट इंटरेस्टिंग शो तुझसे है राब्ता, तो आप जरूर देख ही रहे होंगे, जिसमें कल्याणी और मल्हार के दिलचस्प कहानी को लोग अपना बेहद प्यार दे रहे हैं और इसे दिलचस्प कहानी को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतार रहे हैं ये कलाकार, जो अपने अपने किरदार से आज दर्शकों के फेवरेट स्टार बन चुके हैं, जिन्हें इनके इस कदर दर्शकों को खूब प्यार मिल रहा है कि दर्शक इनको अपने दिलों पर बैठाते हैं और आज ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन कलाकारों में नहीं बल्कि इनके कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू कराने वाले हैं, जो अपनी लाइफ में बेहद सक्सेसफुल हैं। तो देर ना करते हुए जानते हैं उनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में। नंबर एक, पंकज विष्णु। सीरियल में कल्याणी के पिता अतुल देशमुख का किरदार अभिनेता पंकज विष्णु निभा रहे हैं, जिन्हें इनके सादगी भरे और सीधे साधे अंदाज में खूब पसंद किया जा रहा है और इसी के साथ दर्शक से ये खूब ज्यादा पॉपुलैरिटी भी हासिल कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें पंकज विष्णु के रियल लाइफ पार्टनर की, तो इनकी पत्नी का नाम मानसी विष्णु है, जिनसे इन्होंने 25 नवंबर 2004 में शादी की थी और आज शादी से इनके दो प्यारे बच्चे हैं। नंबर दो, अम्रपाली गुप्ता। सीरियल में अतुल देशमुख की पत्नी और कल्याणी की मां माधुरी देशमुख का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का रियल नेम अम्रपाली गुप्ता है, जो अपने इस किरदार को हूबहू पर्दे पर उतारते हुए दर्शकों से खूब तारीफें भी हासिल कर रही है। वहीं अगर बात की जाए इनके रियल लाइफ पार्टनर की, तो इनके पति का नाम यश सिन्हा है, जिनसे इन्होंने साल 2012 में शादी रचाई थी। आपको बता दें कि यश सिन्हा भी अपनी पत्नी अम्रपाली गुप्ता की तरह एक एक्टर हैं, जो हिंदी टीवी सीरियल्स और फिल्मों के लिए काम करते हैं। ये हमें बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी फिल्मों के साथ भाग्य बताता और अफसर बिटिया जैसे सीरियल में दिखाई दिए हैं। नंबर तीन, पूर्वा गोखले। सीरियल में अनुप्रिया देशमुख का जबरदस्त किरदार निभा रही अभिनेत्री पूर्वा गोखले अपने इस किरदार के जरिए दर्शकों के बीच खूब छा गई हैं, जो सीरियल में कल्याणी के स्टेप मॉम अनुप्रिया का किरदार निभाकर इन्होंने सीरियल को और भी ज्यादा मजेदार बना दिया है। वहीं अगर बात की जाए इस बेहतरीन अदाकारा के रियल लाइफ पार्टनर की, तो आपको बता दें कि इनके पति का नाम केदार गोखले है, जो इन्होंने काफी सालों पहले शादी की थी। आज इस शादी से इन्हें दो प्यारी प्यारी बेटियां भी हैं। नंबर चार, साहिल बान असीम। सीरियल में मुख्य अभिनेता के तौर पर एसीपी मल्हार राणे का किरदार निभा रहे अभिनेता सेहबान अजीम आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जहां सीरियल में कल्याणी के साथ इनके नोकझोंक भरे रिश्ते को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल सेहबान अजीम सिंगल है, लेकिन एक समय पर इनका नाम टीवी इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा जेनिफर विंगेट के साथ जोड़ा गया था, जिनके साथ इन्होंने साल 2018 में आए सीरियल बेपनाह में काम किया था और इस सीरियल के बाद से ही दोनों का लिंक खूब सुर्खियों में हुआ था, लेकिन इन सब खबरों को इन्होंने खारिज दिया था। नंबर पांच, रीम शेख। एसीपी मल्हार राणे की हमसफर कल्याणी मल्हार राणे का किरदार निभाते हुए अभिनेत्री रीम शेख आज टीवी इंडस्ट्री की एक मशहूर अदाकारा बन गई है, जहां सीरियल में इनके इस मासूम और एक अलग अंदाज के किरदार ने सीरियल को टीआरपी के मामले में टॉप पर पहुंचा दिया है। वहीं बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेहबान अजीम की तरह इन्होंने भी अभी तक अपना घर नहीं बसाया है और ना ही वर्तमान में किसी को डेट कर रही है। ये फिलहाल अपने प्रोफेशनल लाइफ पर काफी फोकस कर रही है। तो दोस्तों आपको सीरियल में नजर आ रहे इन चुनिंदा कलाकारों में से इस कलाकार के साथ उनके रियल लाइफ पार्टनर की जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।